स्वतंत्रता के बाद देश में कई तरह की तमाम तरह की बाधाएं आए, मुश्किलें आए, कई तरह के संकट आए, लेकिन हर परिस्थिति में हर विपत्ति का सामना करते हुए छात्रों ने देश का साथ दिया और देश को जब जब छात्रों की शक्ति की, मेहनत की, श्रम की आवश्यकता पड़ी, इस संगठन से जुड़े हुए, इस परिषद से जुड़े हुए छात्रों ने कभी भी अपना कदम पीछे नहीं हटाया है। हिम्मत के साथ वे आगे बढ़ते रहे। यही सपना आज त्रिपुरा प्रदेश के सारे छात्र जो विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए हैं वे भी देखते हैं और त्रिपुरा की परिस्थितियों से लगातार सामना कर रही है, विपत्तियों का लगातार हिम्मत के साथ, साहस के साथ उसका सामना करते हुए आज आधुनिक त्रिपुरा का सपना बनाने में, उसे गढ़ने में अपना श्रमदान दे रहे हैं। सेवा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 72वें स्थापना दिवस पर देश सहित त्रिपुरा के सभी कार्यकर्ताओं को प्रदेश की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, शुभेच्छा, नमस्कार, खुलुम खा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की औपचारिक रूप से 9 जुलाई 1948 और अनौपचारिक रूप से 9 जुलाई 1948 और औपचारिक रूप से 9 जुलाई 1949 में इसका गठन हुआ था। देश के महान विभूतियों ने, देश के महान चिंतकों ने, दार्शनिकों ने भारत को गठित करने के लिए, भारत को एक सपनों का देश बनाने के लिए छात्रों को एकत्रित करके, छात्र शक्ति को पहचानते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना की थी, इसका गठन किया था। इसका उद्देश्य है छात्र हित और देश हित। अनंत काल की भारतीय परंपराओं, भारत की संस्कृति की जीवंतता को स्वीकारते हुए, उसके मूल्यों को स्वीकारते हुए राष्ट्र का निर्माण करना, पुनर्निर्माण करना, आधुनिक भारत का सपना इस छात्र संगठन ने देखा था। यही कारण है कि स्थापना दिवस के समय से लेकर आज तक इसने केवल और केवल छात्रों को इकट्ठे करके, छात्रों को एक सही दिशा करके, दिशा देकर छात्रों को देश का सच्चा नागरिक बनाते हुए इसने छात्र को एक सही राह, सही दिशा। दादा के पुष्पन फुले तुरा ओ तुरे दिए बरण करे নেওয়ার জন্য विद्यार्थी परिषदের প্রত্যেকটি কার্যকর্তা এবং আপামর জনসাধারণ ত্রিপুজার সবাই খুশি আছে, কারণ সুশিক্ষা দেওয়ার যে আমাদের মানসিকতা, একটি ছাত্র সংগঠনের ভূমিকা কি থাকে, একটি ছাত্র সংগঠনের সমাজের প্রতি কি, সমাজ ব্যবস্থা কি হতে পারে, সেটা যদি বাস্তবে পরিলক্ষিত করে ত্রিপুরার জনগণ, সেটা কিছুদিনের মধ্যে ত্রিপুরার পুরো ছাত্র সমাজ থেকে বৃহত্তর সমাজ দেখেছে যে ত্রিপুরার ছোট থেকে ছোট সমস্যা আমরা বর্তমান সরকারের কাছে নিয়ে গেছি এবং সেটি সমাধানের
দিকেও সরকার আমাদেরকে দেখিয়েছে পথ কিভাবে সমস্যা যদি একটা ছাত্র সমাজের মধ্যে একটি ছাত্র সংগঠন ভালোভাবে সমস্যা তুলে আর সেটাকে কিভাবে সরকার সম্মতি জানায় আমি তার জন্য বর্তমান রাজ্য সরকারকেও ধন্যবাদ জানাবো যে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিটি আজকে জ্বলন্ত সমস্যা সেটাকে সরকার সমস্যা সমাধানের পথে যাচ্ছে। তো আমি আজকে এই 72তম প্রতিষ্ঠা দিবসে আমি প্রত্যেক কার্যকর্তা ভাই ও ভগ্নীকে আবারও শুভেচ্ছা অভিনন্দন এবং বিদ্যার্থী পরিষদ শুধু ত্রিপুরা নয় পুরো বিশ্বের সর্ববৃহৎ ছাত্র সংগঠন আমাদের কাজের ফলেই আমরা হতে পেরেছি।